हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल जीत पने सर। मेरी किचन फिंगरलिशियस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं काजू कतली। काजू कतली बनाने के लिए मैंने ये 250 ग्राम काजू लिए हैं, बिल्कुल फ्रेश काजू लिए हैं। सबसे पहले हम इनको एक मिक्सी के जार में डालकर, देखिए मिक्सी के जार में डालकर इसका बारीक पाउडर बना लेंगे। ये हमारा काजू का पाउडर बिल्कुल तैयार है। अब काजू कतली बनाने के लिए हमें काजू के पाउडर के साथ साथ ये चीनी, जितना हमारा काजू का पाउडर है उससे आधी हमने चीनी लेनी है। ये आधी कटोरी चीनी है और चीनी के बराबर ही हमने पानी लिया है। ये 1/4 कटोरी मिल्क पाउडर है और ये थोड़ा सा घी। अब सबसे पहले हम एक पैन में ये पानी डालेंगे। साथ में इसके चीनी डाल देंगे। इसको मेल्ट करते हुए एक तार की चाशनी बना लेंगे। देखिए ये हमारी चीनी की चाशनी पक रही है। ये हमारी चाशनी बिल्कुल साफ है। अगर चीनी मैली हो तो उसे दूध डालकर साफ करें। देखिए ये हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम हीटर को ऑफ कर देंगे और जो काजू का पाउडर है इस चाशनी के अंदर थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर लेंगे। देखिए ये काजू का पेस्ट अच्छे से बन गया है। काजू के पाउडर को चीनी में मिलाने के बाद ये देखिए बिल्कुल महीन और बहुत ही बढ़िया इसका पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको धीमी आंच पर धीरे धीरे हिलाते हुए थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अब मैंने हीटर को बंद कर दिया है। अब इसको धीरे धीरे हिलाते हुए ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद ये काजू का पेस्ट देखिए ऐसे हार्ड हो गया है। ये एक डो में तब्दील हो गया है। इसे मैं चम्मच की मदद से ऐसे मिक्स कर रही हूँ। अब हम इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे। घी डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और आटे की तरह इसका एक मुलायम सा डो तैयार कर लेंगे। घी डालने में इसमें थोड़ी चमक भी आ जाएगी
और ये पैन को अच्छे से छोड़ देगा। ये देखिए बिल्कुल अच्छा सा इसका डो तैयार हो गया है। इसको हाथों पे घी लगाते हुए इस तरह से इसका एक गोला सा बना लेना है। और इसको बिल्कुल मुलायम होने तक आप घुमाते रहिए। देखिए ये बिल्कुल मुलायम सा डो तैयार हो गया है। अब हम इसको ट्रे के ऊपर रखकर अच्छे से बेल लेंगे। मैंने इस डो को ये बटर पेपर के ऊपर रखा है। अब आधे बटर पेपर से इसे हम कवर कर देंगे इस तरह से, और रोलर की मदद से इसको अच्छे से बेल देंगे। इस डो को बेलने के बाद मैंने ये हार्ड शीट को इसके ऊपर रखकर अच्छे से इसको प्रेस करके बिल्कुल स्मूथ कर लिया है ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। अब ये हमारी बर्फी तैयार है। अब हम इसके ऊपर ये चांदी का वर्क लगाएंगे। ये वर्क बहुत ही सावधानी से लगाना पड़ता है, नहीं तो ये ऐसे हाथों पे चिपक जाता है। चांदी का वर्क लगाने के बाद अब हम इसे टुकड़ों में काटेंगे। ये मैंने एक स्केल लिया है, स्केल की मदद से, और ये पिज़्ज़ा कटर के साथ हम इसके पीसेस काट लेंगे। देखिए इस बर्फी को मैंने पीसेस में काट दिया है। अब हम इसे 2 घंटे के लिए ऐसे ही सेट होने के लिए रखेंगे, बाद में इनको प्लेट में डालेंगे। देखिए ये काजू कतली हमारी बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब हम इसे प्लेट में डालकर सर्व करेंगे।